रबी सीजन में खेतों से विद्युत मोटर पंप सहित केबल चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मंडलेश्वर पुलिस ने 4 साथी चोरों के साथ चोरी की मोटर पंप खरीदने वाले कबाड़ियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि बलकवाड़ा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अशोक पिता पदम वासकले, मुकराम पिता बाबू डावर, बिशन पिता कैलाश डावर, अशोक बुड़ावर को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया। पूछताछ में चोरों ने अपराध कबूल करते हुए चोरी की मोटर कबाड़ी सचिन पिता पंडरी सेलवाने तथा श्याम लाल पिता मांगीलाल पटेल को बेचा था। आरोपियों द्वारा पूछताछ में बताया कि ग्राम चिचली में नर्मदा नदी किनारे से वाटर पंपों को खोलकर उनमें लगे तांबे को काटकर चोरी करना और इसी तरह मलतार से बोराड नदी से वाटर पंप एवं थाना कसरावत क्षेत्र के वेदा नदी एवं आसपास के कुओं और नहर से वाटर पंपों को खोलकर तांबे के तार काटकर चोरी करना बताया। आरोपितों से 19 किलोग्राम तांबे का तार कुल कीमत 15,200 रुपए बरामद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। गेंद पकड़ी है सर, बड़ा ऑपरेशन किया था पुलिस ने। देखिए विगत दिनों बेड़िया थाना क्षेत्र में और कसरावत थाना क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें किसानों की मोटर पंप जो नर्मदा नदी किनारे रखी गई थी या जो मोटर पंप जो कुएं के अंदर सबमर्सिबल मोटर पंप थी उन मोटर पंपों को निकाल के उनका कॉपर वायर चोरी किया गया था। ये घटनाएं बाद में फिर बलकवाड़ा थाना क्षेत्र में हुई तो किसानों के लिए बड़ी समस्याएं थी क्योंकि किसान अपनी सिंचाई के लिए मोटर पंपों का यूज करते हैं, मोटर पंपों को वो नदी किनारे खेतों में रख के छोड़ जाते हैं तो मोटर पंपों से तार चोरी जाने के बाद मोटर पंप किसी उपयोग की नहीं रहती हैं। इस प्रकार की करीब 11 घटनाएँ दर्ज हुई तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण अपराध था क्योंकि ये खेतों के अंदर जंगली रास्तों से आके ये घटनाएँ घटित हो रही थी। किसानों के द्वारा भी लगातार इस चीज़ को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी तो एक इसमें विशेष टीम बनाई गई जिसमें SDOP मंडलेश्वर सिंह गवली, थाना प्रभारी बलकवाड़ा सिंह ठाकुर और चौकी प्रभारी खलटका रितेश, इस पूरी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। इन्होंने पुराने अपराधियों से पूछताछ की, कोई जानकारी मिली कि ये एक बड़ा गैंग है। इस गैंग में लगभग 8 आरोपी हैं जो रात के समय नदी किनारे लगी हुई मोटरों में खोल के उसका तार चुराए कबाड़ियों को बेचते हैं। इस सूचना के आधार पर इन्होंने कुल 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। 6 आरोपियों में से 4 वो आरोपी हैं जो घटना को घटित करते हैं और 2 आरोपी वो पकड़े गए हैं जो कॉपर वायर को खरीदते हैं कबाड़ी। तो कबाड़ियों के पजेशन से इसमें काफ़ी मात्रा में कॉपर वायर बरामद हुआ है। इस पूरे ऑपरेशन में अभी 4 आरोपियों के नाम आए जो फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी होने पर और भी रिकवरी होगी। तो टोटल 11 अपराधों में 78 जो मोटर पंप थी उनका खुलासा हुआ है, वायर बरामद हुआ है। तो बड़ा ऑपरेशन है इसमें। मुझे लगता है कि हमारे जो कसरावत बलकवाड़ा मंडलेश्वर और बेड़िया क्षेत्र के जो किसान हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी और किसानों की मोटर पंप चोरी करने की घटनाओं में नियंत्रण आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।